एटसी सेलर वेरिफिकेशन, लोगों को इतना ज़्यादा हार्ड लगता है कि बस पूछो मत। और लोग तो इतना भी मुझसे कहते हैं कि भाई ये चीज़ होता ही क्यों है, समझ में नहीं आता क्यों आखिर होता है ये चीज़। तो भाई होना ज़रूरी है क्योंकि इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्कैमर्स बसे हुए हैं, तो अगर इंडिया के सेलर्स जो आ रहे हैं तो उनके लिए होना ज़रूरी है चीज़ वेरीफिकेशन, तभी जाके वो अच्छे से सेल कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखो वेरिफिकेशन फॉर्म, अभी तक आप जो भी प्रोसेस आप कर चुके हो, आपने शॉप क्रिएट कर लिया, अभी जो वेरिफिकेशन फॉर्म को फिल करना है उसमें, इस वीडियो में आपको पूरा कुछ बताने वाला हूँ कैसे आपको फिल करना है, सारी चीज़ें आपको पता लग जाएगा। और ये सीरीज़ एक चल रहा है, अगर आपको नहीं पता, ये पूरा फ्री 5 डेज चैलेंज चल रहा है, फ्री कोर्स है, सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ कि कैसे आपको अपने शॉप को ओपन करना है एंड कैसे आपको फिर अपने शॉप को स्केल करना है, तो सारी चीज़ आपको फ्री में सीखने को मिल रही है। तो अभी इस सीरीज़ को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना स्टार्ट करो, आप सीख जाओगे सब चीज़। बाकी इस वीडियो में जो आपको बताने वाला हूँ, सबसे पहले तो वो गलती जो कि हर एक न्यू सेलर जब स्टार्ट करता है तो वो गलती करता है, उनको लगता है जल्दी जल्दी मेरा शॉप ओपन हो जाए बस। तो देखो सबसे पहली चीज़, जब आप वेरिफिकेशन फॉर्म को फिल कर रहे हो तो वहाँ पे जो ये मेन गलती है वो है कि बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि यार भाई वेरिफिकेशन मैंने कम डिटेल फिल करा या फिर ठीक से नहीं फिल करा, उसकी वजह से रिजेक्ट हो गया मेरा। तो बिल्कुल होता है, क्योंकि वेरिफिकेशन फॉर्म दिया ही इसीलिए है कि वो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सको उसके बारे में ही, फिर उसके रिलेटेड वो तभी वो कॉल करेंगे, कॉल पे फिर वेरीफाई करते हैं वो लोग। तो वेरिफिकेशन फॉर्म में जो भी वो पूछ रहे हैं, जैसे पूछ रहे हैं कि वो आपने वर्क प्रोसेस बताओ, आप क्या करते हो, कैसे करते हो, तो भाई जो भी पूछ रहे हैं ना वो, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करो। अगर आपका प्रोडक्ट है, जो भी प्रोडक्ट है उसको अगर अच्छे से नहीं बता पाओगे तो कैसे काम चलेगा। तो जो भी आपका प्रोडक्ट है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करो। आई नो थोड़ा इंग्लिश का प्रॉब्लम हो सकता है आपको, इंग्लिश में सारी चीज़ें करनी है, बट थोड़ा सा करना पड़ेगा। ज़्यादा दिक्कत आती है गूगल ट्रांसलेट का यूज़ करो, वहाँ पे लिखो हिंदी में इंग्लिश में हो जाता है और फिर वहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। तो इतना बहुत करना पड़ेगा, वर्क प्रोसेस है, जो भी आपके काम के रिलेटेड पूछ रहे हो तो उनको करो आप, ठीक है। तो पहली गलती ये, गलती मत करना। बाकी जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, क्योंकि ये जो है जो वेरिफिकेशन फॉर्म फिल करवा रहा हूँ मैं, वो है डिजिटल प्रोडक्ट के रिलेटेड, कि डिजिटल प्रोडक्ट को कैसे करना है। और बाकी जो भी इसका डाटा जो मैं डालने वाला हूँ वहाँ पे, वो सब कुछ आपके लिए बनाया है। तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना, जो भी इसका उसको करना, कॉपी पेस्ट कर सकते हो, लेकिन मैं कहूँ कॉपी पेस्ट मत करना, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना अपने हिसाब से और उसको डाल देना, तो आपका शॉप ओपन हो जाएगा, ठीक है। सो अभी हम चलते हैं अपने स्क्रीन पर और आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताना स्टार्ट कर दूँ कि आप कैसे फिल करना है पूरे अच्छे तरीके से, ठीक है। सो चलो फिर अब आ जाओ मेरे स्क्रीन पे। सो गाइस आ चुके हैं अपने स्क्रीन पे। तो जैसे कि ये वाला शॉप है जो हमने क्रिएट करा था, ठीक है। तो क्रिएट करने के बाद जो आपको नेक्स्ट स्टेप है वो है वेरिफिकेशन फॉर्म का। तो वेरिफिकेशन फॉर्म का आप मैं उसके मतलब आपको अपने ईमेल आईडी चेक करना है, ठीक है। तो ईमेल इनबॉक्स में जाऊँगा जैसे मैं ईमेल के, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि मेरे पास आया पड़ा है, ठीक है। तो आया हुआ है मेरे पास में, यहाँ पर वेलकम का मेल है पहला, ठीक है। तो वेलकम का ही है, उसके बाद बाकी ये है जो हमने वो क्या बोलते हैं पेपाल को अपडेट करा था, देन उसके बाद हमारा ये एटसी वेरिफिकेशन का शॉप वेरिफिकेशन का फॉर्म है यहाँ पर। तो इस पर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर ये हमारा सेलर वेरिफिकेशन का फॉर्म है, तो इसको हमने ओपन करा। ओके तो ये हमारा इसी ईमेल आईडी से हुआ पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, ठीक है। तो क्या करना है, ईमेल आईडी डालना है। तो ईमेल आईडी यहाँ पे जैसे कि ये वाला ईमेल आईडी मैंने कॉपी करा, देन मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अपना मुझे फुल नेम डालना है, तो मेरा फुल नेम जो है वो है, तो यहाँ पर मैं फुल नेम में डाल दूँगा कमरान रईस है वैसे, बट मैं यहाँ पर अंसारी डाल दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर फुल नेम मैंने डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर द नेम ऑफ योर एटसी शॉप, कि आपके शॉप का नाम क्या है। तो आपके शॉप का नाम, जैसे कि हम चलते हैं यहाँ पे एटसी शॉप पर, तो ये हमारा एटसी शॉप का नेम है, इसको जस्ट कॉपी करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फॉर्म पर आए और यहाँ पे हमको क्या करना है, पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे योर एटसी शॉप URL, तो यहाँ पे हम जाएंगे, तो ये बेसिकली हमारा डैशबोर्ड खुला हुआ है शॉप का, मतलब फ्रंट एंड खुला हुआ है। तो इसका लिंक हमको यहाँ से कॉपी करना है, यहाँ से क्लिक करा, कॉपी करा एंड देन फॉर्म पर जाके यहाँ पर पेस्ट कर दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लीज़ एंटर योर फोन कंट्री कोड बिलो, तो यहाँ पे हमारा जो कंट्री कोड है वो है +91, ठीक है। उसके बाद आपको अपना फ़ोन नंबर डालना है यहाँ पे, तो फ़ोन नंबर मैं ले लेता हूँ फटाफट से। तो कंट्री कोड डालने के बाद फ़ोन नंबर ये मैंने डाल दिया यहाँ पे फ़ोन नंबर। उसके बाद अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नेम, तो ये ऑप्शनल है, कोई ज़रूरत नहीं है वैसे, रहने दो उसको, ठीक है। अगर आपके पास है कॉन्टैक्ट नेम और नंबर तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। एड्रेस फॉर योर वर्क प्लेस, ठीक है। तो जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पे डाल सकते हो आप। तो मैं लेट्स सी, मैं अपना एड्रेस ले लेता हूँ।
तो ये मैंने एड्रेस अपना ले लिया। उसके बाद यहाँ पे आपको ना पिन कोड डालना है, ठीक है, आपका एरिया का जो भी पिन कोड है वो डालना है यहाँ पे। तो मैं डाल लेता हूँ, तो मैंने पिन कोड डाल लिया। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहे हैं विच स्टेट आर यू बेस्ड आउट ऑफ, तो आपका जो भी स्टेट है वो यहाँ पे आपको डालना है। फॉर एग्जांपल मैं डाल देता हूँ अपना उत्तर प्रदेश। ठीक है, उसके बाद आपको अपना कंट्री ऑफ रेजिडेंस, तो हमारा इंडिया है, आपका जो भी है वो लिख सकते हो। तो मेरा इंडिया डाल देता हूँ मैं, ये रहा इंडिया। ठीक है, उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ, जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप डाल सकते हो यहाँ पे। तो मैं जैसे कि डाल देता हूँ 06, उसके बाद 08 एंड देन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद मैं यहाँ पे जेंडर डालना है आपको, जो भी जेंडर है आपका मेल डाल दो। उसके बाद कोई आधार हो तो आधार भी डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपना आधार वेरिफिकेशन आईडी डालना है, तो जो भी आपका आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे आधार कार्ड अपना अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पे मैंने करा और यहाँ से मैं सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा। ठीक है, तो मेरा आधार कार्ड अपलोड हो चुका है। आप चाहे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर जो भी आपके पास है वो आप अपलोड कर सकते हो। तो अपलोड पर क्लिक करूँगा मैं, सो सिंपली अपलोड हो चुका है। ठीक है, अब हमको क्लिक करना है नेक्स्ट पे, तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है प्रोडक्ट एंड प्रोसेस इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे बेसिकली पूछ रहे हैं कि आर यू इन्वॉल्व इन डिजाइनिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स, सो यस पहले वाले पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद कैन यू एक्सप्लेन लिटिल बिट अबाउट द प्रोडक्ट मेकिंग प्रोसेस, कि आप प्रोडक्ट कैसे बनाते हो। तो उसका मैंने इस डिजिटल प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग एक लिखा हुआ है, तो उसको चाहो तो आप यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आपको अपना एक्सप्लेन कर सकते हो थोड़ा बहुत कि मैं ये हूँ, मैं इसे इस तरीके से प्रोडक्ट को बनाता हूँ। ठीक है, तो आप इसे ऐसे यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ मैंने लिखा हुआ है और मैंने जो लिख रखा है उसको चाहो तो आप आराम से यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं होता। ठीक है, तो आप आराम से यूज़ कर सकते हो। तो थोड़ा बहुत मैं एडिट कर देता हूँ। तो मेरे हिसाब से आप थोड़ा बहुत कस्टमाइज़ कर लेना इसको, ठीक है, अपने हिसाब से आप लिख सकते हो। मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अदरवाइज़ आप खुद से थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देना, ज़रूरी ये चीज़ है। ठीक है, सेम एज इट इज़ कॉपी मत करना। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको कस्टमाइज़ करना पड़ेगा इसमें से। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहे हैं हैव यू प्रीवियसली सोल्ड योर प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, तो आपने अगर पहले प्रोडक्ट्स ऑनलाइन सोल्ड करा या नहीं करा, यस पे क्लिक कर दो आप। ठीक है, प्लीज़ अपलोड पिक्चर्स ऑफ योर प्रोडक्ट, तो जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया था उस प्रोडक्ट का यहाँ पे अपलोड करना है इस प्रोडक्ट को। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो आपने बनाया था उसको आपको अपलोड करना है। तो जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पे सिंपली आपको अपलोड पे क्लिक करना है। ठीक है, अपलोड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब ये करने के बाद आपको क्लिक यहाँ पे पूछ रहे हैं प्लीज़ अपलोड पिक्चर्स ऑफ योर प्रोसेस। ठीक है, कि कैसे आप इसको क्रिएट करते हैं, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये चीज़ देना है यहाँ पे। अब ये चीज़ कैसे देना है यहाँ पे, जैसे कि जैसे आपने जो भी आपने बनाया था, अपने कैनवा प्रो से बनाया था, ठीक है, थैंक यू कार्ड बनाया था ना, तो क्या करना है वहाँ पे चलना है दोबारा से। मैं आ गया यहाँ पे, तो मैंने उस प्रोजेक्ट में सेलेक्ट करा हमारे थैंक यू कार्ड। ठीक है, और मैं फ़ोटोज़ पे ले लेता हूँ, जैसे कि तो इस वाले को मैंने लिया। ठीक है, तो इसका ना आपको स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं ले लेता हूँ अपना फटाफट से, तो जैसे मैं एलिमेंट में जाऊँगा, अब मुझे इसके स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, आप एलिमेंट में करके मैं इसका ले लेता हूँ स्क्रीनशॉट। इसको मैं सेव कर लेता हूँ।
आप चलते हैं फिर से उसमें, ठीक है। मैं यहाँ पे आ गया हूँ, आप लो प्लीज़ अपलोड पिक्चर ऑफ योर प्रोसेस। तो यहाँ पे सिंपली क्लिक है, ऐड फाइल पे क्लिक करेंगे। सो ये आ गया है, सो ये अपलोड हो चुका है, ठीक है। यहाँ से अपलोड होगा, अब यहाँ पे आपको अपलोड पे क्लिक करना है। सो अपलोड हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं डू यू हैव करंटली शिपिंग प्रोवाइडर, सो हम मना कर देंगे, नहीं हमको ज़रूरत नहीं होगी। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स डू यू हैव रेडी टू लिस्ट, तो यहाँ पे हम कर देंगे 8, ठीक है। आप 10 कर सकते हो, 12 कर सकते हो, 13 कर सकते हो, 20 कर सकते हो, जितना चाहो उतना कर सकते हो आप, ठीक है। विच कैटेगरी डज योर हैंडमेड प्रोडक्ट्स फॉल इन, तो यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे हम आर्ट एंड कलेक्टिबल्स में आप कर सकते हो, ठीक है। सो आर्ट एंड इस पर कर लेते हैं, हम इस वाले पे कर लिए मैंने। उसके बाद आप पूछ रहे हैं व्हाट डू यू मेक, ठीक है, आप क्या बनाते हो। सेम वो चीज़ आप चाहो तो दोबारा पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि मैं मैंने पेस्ट यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। यही चीज़ आपको मैं नीचे प्रोवाइड करा दूंगा, आप उसको लिख लेना, अदरवाइज़ आप खुद से यहाँ पर लिख सकते हो कि मैं ये सारी चीज़ें बनाता हूँ। आई क्रिएट क्रिएटिव डिज़ाइंस लाइक सोशल मीडिया किट, सोशल मीडिया डिज़ाइंस एंड यू नो, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। बाकी मैं ये चीज़ें दे दूँगा ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि ये चीज़ें लिखनी होती है और मैं अपने आप से बना के आप लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपका वेबसाइट, अगर आपके पास वेबसाइट है तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज नहीं है तो भी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अपना इंस्टाग्राम, फेसबुक और कोई भी ऐसा हैंडल है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। तो मैं जैसे इंस्टाग्राम का लिंक यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो उससे पहले आप दो तीन दिन पहले, अगर आप अभी शॉप मत बनाओ फिर मतलब तो प्रोसेस रोक भी नहीं सकते। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट, आपका इंस्टाग्राम लिंक होना चाहिए, ठीक है। तो इंस्टाग्राम एटलीस्ट आपका होना ही चाहिए, तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको डालना है यहाँ पे। तो उसके लिए मैं लिंक ले लेता हूँ, तो मैंने इंस्टाग्राम का लिंक ले लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपली इसको पेस्ट करूँगा, तो ये पेस्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पूछ रहे हैं हाउ डिड यू कैम टू नो अबाउट अस, मतलब कैसे आपने मेरे बारे में जाना, हमारे बारे में जाना। तो बेसिकली मैं सेलर रेफरल कर दूँगा, ठीक है। आप कुछ भी कर सकते हो, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ठीक है, अदर भी कर सकते हो। तो बस सेलर रेफरल का हो गया। और उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना आपको सबमिट ए फॉर्म पे, ठीक है। सबमिट पे क्लिक करेंगे, सो करते हैं सबमिट पे क्लिक। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा फिलिंग करना है, तो ट्रैफिक लाइट यहाँ पे कर देंगे, वेरीफाई करेंगे। हाँ, अदर चीज़ मांग रहे हैं साइकिल, तो बाइसाइकिल कहाँ है, येरा वेरीफाई, ओके। सो हमारा जो एटसी सेलर रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो फाइनली हमारा फिल हो चुका है, ठीक है। सो ये चीज़ हम कर चुके हैं। सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, और आपको समझ में आ गया। तो आई होप जो भी मैंने आपको बताया वो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, और जब वेरिफिकेशन फॉर्म को आप फिल करोगे तो सारी डिटेल को आप स्टेप बाय स्टेप अच्छे तरीके से भरोगे, ठीक है। सो बस फिर आई होप आपको समझ में आ गया सारी चीज़ें। तो अगर आपको वीडियो सही लगी, अच्छा ही क्या ऑब्वियसली लगी होगी, तो लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को, और इस सीरीज़ को पूरा फॉलो करो, क्योंकि सीरीज़ में आपको सारी चीज़ें सीखने को मिल रही है। तो स्टेप बाय स्टेप सारी सीरीज़ को फॉलो करो, और भी आगे बहुत सारी अवेलेबल वीडियोज़ आने वाली है एटसी के रिलेटेड। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो विश ऑल द वेरी बेस्ट, योर्स ट्रूली रोहित पिल्ले, बाय बाय।